बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आरजे महविश और आप सब देख रही हैं मेरे यूट्यूब का चैनल मेरे अपने नाम से। आपको पता है परसों 10 मुहर्रम थी और उसकी वजह से हमने न्यू कोई भी वीडियो नहीं बनाई, और कल हमने जो वीडियो बनाई थी आयशा अकरम के ऊपर, तो उस वीडियो का हमें कॉपीराइट आ गया था और वो वीडियो हमने डिलीट कर दी थी। आपको पता है चैनल मोनेटाइज है और उसकी वजह से यूट्यूब की टीम छोटी सी बात का भी इशू बना लेती है। तो आज सुबह से मुस्कान ज़ारा की तबीयत भी इंतहा ख़राब थी, तेज़ बुखार था इसे। परसों वाले दिन इसको हल्का सा बुखार हुआ, हमने दवाई ली तो ये ठीक हो गई थी, और रात हमारी पानी वाली जो है मोटर वो ख़राब हो गई थी। कल से पानी नहीं था घर हमारे, और हम दोनों माँ बेटी पड़ोसियों के घर से पानी भर के गुजारा करती रहीं। और जुम्मे का दिन था, मिस्त्रियों वगैरह की दुकानें भी बंद थी। आज सुबह से मिस्त्री को बुलवाया, मोटर बनने के लिए चली गई, और मुस्कान ज़ारा की तबीयत भी इंतहा ख़राब है। जैसा कि आप इस टाइम देख रहे हैं, मैं अभी उसे दवाई लेके इंजेक्शन लगवा के आई हूँ तो इसको नींद आ गई। और अल्लाह पाक से दुआ करें कि प्लीज़ मेरी बेटी की तबीयत जो है ना जल्दी से ठीक हो जाए। एक तो मौसम है, मौसम चेंज हो रहा है, इसकी वजह से हर कोई बीमार है, हर किसी को बुखार आ रहा है, क्योंकि या तो सर्दियाँ आती हैं तो बच्चे को बीमार करती हैं, बड़ों को भी, और या गर्मियाँ जाती हैं। तो इस मौसम में रात को ठंड पड़ती है, दिन को गर्मी होती है, इसी वजह से बच्चे सारे बीमार हुए। आजान पहले बीमार हुआ है, उसके बाद मैं खुद बीमार हुई हूँ, उसके बाद फिर मायरा बीमार हुई है, उसके बाद अभी मुस्कान ज़ारा की तबीयत जो है ना बहुत ज़्यादा ख़राब है, बुखार है इसको तेज़। तो दवाई ले आई हूँ, तो दुआ कर दें कि अल्लाह पाक जल्द मेरी बेटी को सेहत याब करे, क्योंकि मेरी बेटी के सिवा और अल्लाह पाक की ज़ात के सिवा मेरा कोई भी सहारा नहीं है। कोई हमसे बात करे ना करे, हम दोनों माँ बेटी ही आपस में एक दूसरे के साथ बात कर लेती हैं, माँ बेटी कम और बहनें ज़्यादा हैं हम। तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी, मैंने कहा मेरी बेटी को पता नहीं क्या हो गया, और मौसम भी आजकल इतना बुरा है कि बुखार इतने गंदे हो रहे हैं। तो मैंने सोचा अपने तमाम सब्सक्राइबर को बता दूं, क्योंकि काफ़ी सारे सब्सक्राइबर परेशान थे कि मुस्कान के मैं भी आपकी क्यों नहीं न्यू वीडियो आ रही। तो बस यही घर की आपको पता है सारी टोटली टेंशन मेरे ऊपर होती है, तो अभी दवाई लेके आई बैठी थी, तो मैंने सोचा अपने तमाम सब्सक्राइबर को बता दूँ और दुआ की भी अपील कर दूँ। मेरे साथ मायरा इस टाइम है, मायरा स्कूल नहीं गई, तो मैंने भी ज़्यादा फोर्स नहीं किया, मैंने कहा अभी तो ये बुखार से ठीक हुई है तो मैं इसको स्कूल नहीं भेजती, कोई बात नहीं। वैसे भी स्कूलों में आजकल पढ़ाइयों का कोई भी है जो है ना कन्फर्म नहीं है, कभी पढ़ाई करवाती हैं एक आधे घंटे बाद छुट्टी दे देती हैं टीचर्स वगैरह। चो मुस्कान है, तबीयत ठीक है पुत्र? सिर दर्द तक होनी घुटा सिर है, संदाई बेटियां तो वहां होती हैं। आप सबसे गुजारिश है कि मुस्कान के लिए दुआ करें कि अल्लाह पाक इसको जल्द सेहत याब करे। आपको पता है इसके सिवा मेरा कोई भी नहीं है, जब इसकी तबीयत खराब होती है तो मैं खुद परेशान हो जाती हूँ, बहुत ज्यादा तेज बुखार है इसको इतना। अभी मैंने मुस्कान के लिए खाने के लिए कोई दलिया वगैरह भी बनाना है। काफ़ी सारे सब्सक्राइबर के कमेंट आ रहे थे कि मैं भी शाप इतने दिन से कहाँ गो, मैं आपकी वीडियो क्यों नहीं आ रही। आपको पता है क्या करूँ, एक अकेली औरत हूँ, घर के काम सारे मेरे ऊपर, बाहर के भी सारे काम मेरे ऊपर, मैं क्या करूँ, थक जाती हूँ कभी कभी तो मैं खुद भी। तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक तो देख रहा है, दुनिया तो वैसे ही अजर नहीं देने वाली, अल्लाह पाक देने वाला है, वो बेनियाज है। जिस दिन हमारी मुश्किलें आसान करेगा तो इंशाल्लाह हमारे लाइफ में भी खुशियाँ आएंगी। अगर हमारी लाइफ में खुशियाँ हैं तो ज़रूर आएंगी, अगर हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ नहीं हैं तो इंशाल्लाह हमारा सब्र तो है ना, और उस सब्र का अजर अल्लाह पाक शायद इस दुनिया में नहीं तो अगली जो है ना दुनिया में ज़रूर देगा। इस उम्मीद पर ये सोच के दिल को एक जो है ना तसल्ली हो जाती है। वो सारा दिन घर के काम कर करके थक जाते हैं,
तो मुस्कान भी जल्दी सो जाती है, और फिर मैं अकेली, मैं कहती हूँ सभी तो सोए हुए हैं, मैं कैसे लाइव आऊँ, फिर दिल नहीं करता इसी वजह से। मुस्कान हूँ बुखार मठा है ना, कुछ खाना ही आप लोग दुआ करेंगे मैं जल्दी से ठीक हो जाऊं, फिर हम अच्छी अच्छी वीडियो बनाएंगे। कुछ दिनों से मुहर्रम था पहले, उसके बाद हम वीडियो नहीं बना सकी, और सुबह थोड़ा सा काम किया और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा बुखार हो गया। अभी हमने दवाई लेकर आई और मेरी कुछ तबीयत ठीक है, और इंशाल्लाह शाम तक अगर तबीयत ठीक हो गई तो हम अच्छी अच्छी वीडियो भी बनाएंगे। हाँ ठीक हो गई है तो अभी लेट ही रहो ना, मुझे मैंने चेक किया अभी बुखार कम है पहले से, पहले ज़्यादा था, पहले 102 पे बुखार था मुस्कान को, अभी थोड़ा सा कम लग रहा है। दवाई तो मैंने दे दी है, ये देख सकती हैं आप, इंजेक्शन भी लगवाया था इसको। तो जब मेरे बच्चों को कुछ हो जाता है तो यकीन करें मेरे सारे हौसले बस्त हो जाती है। मैं कहती हूँ कि मैंने दुनिया की अच्छी बुरी सभी अपने बच्चों के लिए सही है, किसी ने मुझे बुरा कहा, किसी ने मुझे गलत कहा, किसी ने जैसी भी मेरे ऊपर बात की ना, मैंने किसी का कोई जवाब नहीं दिया, सिर्फ इन्हीं बच्चों के लिए कि एक दिन मेरे बच्चे हो आएंगे, मेरी मुश्किलें आसान हो जाएंगी। चंद दिन पहले इन तीन लोगों ने मेरे बच्चे को अगवा करने की कोशिश की, आपको पता है, ये तो अल्लाह पाक का पता नहीं कौन सी नेकी मेरी जो थी मेरे काम आ गई कि मैं मौके पे पहुंच गई, वरना ये लोग पता नहीं मेरे बेटे को कहाँ ले जाते और मुझसे कौन सी बात मनवाने की कोशिश करते, पता नहीं उनकी क्या होता। ये तो अल्लाह का लाख लाख में शुक्र अदा करती हूँ कि मैं मौके पे पहुंच गई और वो बुढ़ा कोजी फरार हो गया। तो देखिए कितना लोग मुझे तंग करते हैं, कितना मुझे सता रहे हैं, मेरी इतनी इतनी मेरे ऊपर बेहूदा बातें करती है, सब कुछ मैं बर्दाश्त कर रही हूँ कि अपने बच्चों के लिए, क्योंकि मुझे पता है अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे बच्चों का कोई भी सहारा नहीं है। वो कहती है कि इस भरी दुनिया में कोई भी हमारा ना हुआ, इस भरी दुनिया में कोई भी हमारा ना हुआ, गैर तो गैर थी, अपनों का भी सहारा ना हुआ। दुआ करेंगे मुस्कान जल्दी से ठीक हो जाए, मैं मेरे बच्चों को कुछ होता है तो यकीन करें मुझे ऐसे लगता है जैसे मेरी जान ही निकल रही है जिस्म से, इतना कुछ दुनिया में खोने के बाद मैंने सिर्फ अपने बच्चों को ही पाया है। तो मैं अपने बच्चों को नहीं खोना चाहती,